मैं पुष्टो स्पीकिंग हूँ सर तुम्हें जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है अकॉर्डिंग टू यूर क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन एडल्ट्री पीडो फाइल्स एंड जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं आपको माफी मांगना चाहिए क्या आपका सवाल गलत है आ, सर मेरा ये यही सवाल है कि वहां पे यही बहन जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म इस्लामाबाद में इसने मुझे दावत दी मुझे यतीम बच्चों को मिलो मैं बोला ठीक है मैं बहुत बिजी था दस मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए वो यतीम बच्चे तो पीछे थे सब फोटो सेशन आ गए मैं बोला क्या हो रहा है मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा तकरी करने लगा है मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा तकरीर खत्म हो गई तो खातीन मैं खातीन ही बोलूंगा भाई बालिक थे सब सबके ऊपर आ गए बोला क्या हो रहा है, बच्ची है मेरे बच्ची है मेरी बेटी है किधर का तस्वुर है लड़की जब बालिक हो जाती है तेरह साल चौदह साल पंद्रह साल आप उसको छू भी नहीं सकते टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए कुछ प्रॉब्लम है आदमी में आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए आपके दिल में हलचल नहीं होती है मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से तो बीमारी आपके शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए पहला ऑप्शन है वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है या वो बाजारी औरत बन जाए बाजारी औरत इतना सख्त लव मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी तो इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं अभी आपको मिसाल दूंगा मैं आ रहा था हमारा था, हजार किलो था पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं कौन सीईओ स्टेशन मैनेजर कंट्री मैनेजर से बात किया डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा मैं बोला ठीक है भाई छह लोग जा रहे थे मैंने बोला भाई पांच सौ छह सौ किलो ज्यादा है हाँ हाँ नरो मत। मुझे फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट दूंगा मैं बोला भाई फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के बदले मैं और चार लोग को लेके आऊ और सस्ता पड़ेगा ना बोला देने के तो फ्री दे मत दे, मत दे ठुकरा दिया मेरे पी आए पाकिस्तान एयरलाइन अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा ये है इंडिया अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को तो कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के पीआई से तो उसके लिए मांगना चाहता हूँ बस्मिल रहीम जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट हैं और उनके मुख्तु प्रोग्राम्स चल रहे हैं पब्लिक लेक्चर्स भी हैं इसके अलावा जो प्रिंट मीडिया है उसके अंदर भी उनकी कुछ बातें आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वो बड़ी कसरत से आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत उनकी जो उनकी उनके इंटरव्यूज़ हैं या उनकी उनके लेक्चर्स हैं उस पर बात हो रही है। लेकिन इससे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी जनरेट हुई हैं और उन पर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है काफ़ी हद तक जो है बात हो चुकी है लेकिन यह है कि जिस पहलू से इतराज उठाया जा रहा है यानी ज़्यादातर जो ये इतराज है ये जो हमारे सेकुलर भाई हैं उनकी तरफ से ये उठाया जा रहा है इतराज, और इस तरह के एतराज़ा पहले भी उठाते रहे हैं और उसका जो जवाब दिया जा रहा है दीनी तबकात की तरफ से वो वजाहत दी जा रही है बेसिकली कि डॉक्टर जकिर नायक ने अगर कोई बात की है दीन की कुछ बुनियादी तालीमा से मतलब तो वो ग़लत नहीं है लेकिन यह कि जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लोग एतराज़ उठा रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है तो खैर कुछ जो है हम इस पर बात आप आज करेंगे चार पांच कंट्रोवर्सीज हैं जिन पर ज़्यादा बात हुई है उनमें यही करके हम बात करते हैं और जो असल इशू है उसको ज़रा एड्रेस करने की हम कोशिश करते हैं तो इसमें सबसे तो पहले तो बड़ा सिंपल सा इशू है उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं वो है कि डॉक्टर झकिर नायक ने जो पी आई ए के सी ओ पर एतराज़ उठाया और ये गिला किया कि वो स्टेट गेस्ट हैं और उनको फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट दिया खाली लगेज के ऊपर तो ये बात बड़ी अफसोसनाक बात है कि डॉक्टर जाकिर नायक जैसी जो पर्सनैलिटी है उनकी तरफ से ये बात आई यानी ये उनको जेब नहीं देती दे दे थी कि ये बात वो करें उनको पता है कि पी आई ए जो है वो एक नेशनल कैरियर है वो किसी की प्राइवेट एयरलाइंस नहीं है और अगर नेशनल कैरियर है तो जारी बात है वो पब्लिक मनी से चलता है और इसलिए ये किसी के इखतीयार में नहीं होता इवन का के सीईओ के इखियार में नहीं होता कि वो अपने पास से किसी कोई भी जो लगेज है या कोई भी टिकट है उसे माफ़ कर सके तो ये उसका तो कोई कसूर नहीं था इसमें बल्कि उसको तो पूरा ही चार्ज करना करना चाहिए था ये फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट भी अगर तो स्टेट ये फैसला करे कि ऐसा है या गवर्नमेंट फैसला करे कि फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट देना है तो तब तो ठीक है और अगर उन्होंने ये फैसला किया था और यकीन किया होगा तभी उन्होंने फिफ्टी परसेंट का जो है उनको ऑफर किया लेकिन यह है कि जितना भी ऑफर किया पर उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था स्टेट जो है उनके बहुत से बहुत से रिसोर्स लगा रही है उनका ये जो दौरा है इसमें उनके बहुत सी जगहों पर विजिट्स हैं इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना उनके रहने सहने का इंतज़ाम करना ये सारा कुछ जो है स्टेट बर्दाश्त कर रही है तो उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि उनके उनकी पर्सनैलिटी से के शायने शायन शान नहीं थी कि वो ये बात करें खैर बाद में उन्होंने इसके इसके इस, इस, इस पर माफ़ी भी मांग ली पर उनको इनको इस बात को बात का इधरक होना चाहिए कि इस्लाम के अंदर तो वैसे भी जो है ये जो वी ए पी कल्चर है इसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में तमाम लोग बराबर हैं चाहे वो खलीफा है चाहे मुसलमानों का हाकिम है चाहे वो एक आम शख्स है दोनों बराबर हैं दो जो प्रवेज हैं प्रवेलज़ जो हैं वो आम बंदा इन्जॉय करता है वही हाकिम इन्जॉय करता है तो इस्लाम तो इस कल्चर के ही खिलाफ है तो ये यह कहना कि उनको मालूम नहीं था कि मैं डॉक्टर किर नाइक हूँ और जो है मेरे साथ इस तरह उन्होंने ट्रीट किया तो ये एक मुनासिब बात नहीं थी खैर उन्होंने खुद भी इस पर माफ़ी मांगी है खैर यहीं पे हम इसे क्लोज़ करते हैं लेकिन यह है कि उनको इस बात पे देखें इस इस तरह की बातों में एहतियात करनी चाहिए कि वो एक रिन इस्लामिक स्कॉलर हैं या दाई हैं आ, उनकी हर बात जो है उनको उसको नोट किया जाता है अगर इस तरीके से वो बिहेव करेंगे तो फिर उसका एक नेगेटिव इम्प्रेशन जो है इस्लाम के मतलब जाता है उन लोगों के आ, अजहान में ऐसे शकूक पैदा होते हैं जो अभी इस्लाम में नहीं आए या फिर हैं तो मुसलमान लेकिन अभी सही तरीके से इस्लाम पर अमल पैरा नहीं है तो उनको इस इससे ऐसी बातों से इजतनाव करना चाहिए तो खैर ये एक तो बात ये होगी उसके बाद दूसरी बात जो है जिस पर काफ़ी बात हुई सोशल मीडिया के ऊपर और वो एक लकी मरव से एक ख़ातून थी उन्होंने एक सवाल किया कि उन्होंने अपने इलाके के बारे में बताया कि वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत रिलीजस हैं औरतें जो हैं वो पर्दा करती हैं ज़रूरत 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 हो तो घर से बाहर निकलती हैं वरना घर से बाहर नहीं निकलती हैं और जो मर्द हैं वो नमाजें भी पढ़ते हैं और वहाँ पर तबलीग का बहुत बड़ा इज्तम भी हुआ तो ये सब कुछ तो है यानी इबादत तो उनकी ठीक हैं लेकिन ये है कि वहाँ पे जना भी फैल रहा है वहाँ पे ड्रग्स भी फैल रहे हैं और वहाँ पे जो है ये पिडोफीलिया भी फैल रहा है यानी बच्चों के साथ जो ज्यादती करने वाले केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं तो इसकी क्या वजह है तो ये एक बड़ा जनवन सवाल था आ, लेकिन शायद डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो ये सवाल समझ नहीं सके क्योंकि वो खुद कहते हैं कि उर्दू उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो इसलिए आ, हो सकता है कि उनको ना समझ में आया उनका सवाल और वो यहाँ के एनवायरनमेंट से भी आ, सही तरीके से वाकिफ शायद नहीं है क्योंकि हमें पता है कि के पी के के अंदर इस तरह के इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो आ, उनका सवाल बड़ा जैन था उन, उन, उन खातून का कि ये क्या वजह है कि इस्लाम तो एक कॉम्प्रहसिव कोड ऑफ लाइफ होना चाहिए ना तो वहाँ उसको फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो एक पहलू से तो बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं नमाज़ रोज़ा ज़ुआत तबलीग और इस तरह की जो रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं वो तो सही तरीके से अदा कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं आ, उन उनकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं है बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उलमा इस पर क्यों आवाज़ बुलंद नहीं करते इसके खिलाफ क्यों बात नहीं करते तो इसका जवाब सही मनो में तो यही बनता था कि आ, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम के अंदर मसला है ठीक है डॉक्टर साहब ने यह बात ज़रूर कही कि यानी अगर इस्लाम कहीं पे होगा तो वहाँ पे तो पीडोफाइल्स नहीं होंगे और वहाँ पर एडल्ट्री नहीं होगी तो ये बात उन्होंने कहा कि आपका कंट्रोडिक्ट्री सवाल है तो सवाल कंट्रडिक्टी नहीं है ये सोसाइटी में कंट्रडिक्शन मौजूद हैं इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इसमें यकीन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लमा की बनती है कि वो जो कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ दीन है वो लोगों को नहीं समझा पाए जो सेंसिटिविटी हमारी इबादत से मुतल है वो हमारी सेंसिटिविटी मामला से मतलब नहीं है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर ये मसला है तो खैर ये बात इस तरीके से एड्रेस होनी चाहिए थी लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर उस उन खातून को जो है डांटा भी और उनको कहा कि आप माफ़ी मांगें ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं थी तो ये जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वो एक इंटरनेशनली रिनोड जो हैदाई हैं और एक इस्लामिक स्कॉलर हैं उनकी कोई भी बात होगी तो वो उसका अगर अच्छा इम्प्रेशन है तो अब बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो उसका इम्पैक्ट होगा और अगर वो कोई उसका कोई बुरा इंप्रेशन पड़ता है तो वो भी उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े पैमाने पे होगा तो उनको इससे बह इस तरह की बातों से इज्तना करना चाहिए फिर उसके बाद उनका एक और इशू जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वो ये था कि उनको बुलाया गया कुछ यतीम लड़कियाँ थीं उनको उन्होंने शीड्स देनी थी तो इस पर जो है आ, हम देख सकते हैं कि उस स्टेज पे चढ़े और आ, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि बहुत सी लड़कियां जो हैं स्टेज पे चढ़ी तो वो उतर गए उसके उस स्टेज से उतर गए और उन्होंने शील्ड्स नहीं दी अब इस पर जब बाद में बहुत ज़्यादा सवाल उठे तो उन्होंने इसकी वजाहत दी कि आ, कि ये लड़कियाँ जो थीं ये कोई बच्चियाँ नहीं थीं बल्कि ये तेरह चौदह साल की नौजवान लड़कियाँ थीं और ये इस्लाम इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं हैं कि ऐसी लड़कियों के साथ इंटरेक्ट किया जाए या उनको हाथ लगाया जाए अच्छा ये हाथ लगाने वाली बात उनकी तरफ से बार बार आई उन्होंने वजाहत में भी ये बार बार कहा कि ऐसा ऐसी लड़कियों को हाथ लगाना जायज़ नहीं है अब पता नहीं ये कोई ऐसी डिस्कशन हुई हुई है बैकग्राउंड में उनसे कहा गया है कि आपने उनके सर पर हाथ रखना है या जिसना भी मामला है तो उस पर उनका यह रिएक्शन हुआ उन्होंने अपनी वजाहत में ऐसी कोई बात पेश नहीं की तो जब ऐसी कोई बात नहीं थी उसे शील्ड देने की बात थी तो हाथ लगाने वाली बात का बार बार जिक्र करना ये मुनासिब नहीं था लेकिन बहर यह उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नौजवान जो लड़की हैं खातून है तेरह चौदह साल की लड़की इस्लाम के अंदर तो वह बाद लड़की है तो उनके साथ इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए तो बल्कि उनको देखने के बाद अपनी आँखों को नीचे कर देना चाहिए गद्द बसर का हुक्म है इसके अलावा भी और बहुत सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एहतियात के हवाले से दी गई हैं जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया है कि बल्कि इसी नंबर इकतीस इसमें जहाँ पर निगाहों को पस्त करने का हुक्म है वहाँ आखिर में अल्लाह ताला जो है यहाँ तक भी फरमाते हैं कि वलाबना बरजुलहन्ना लियोलमा मा यफीना मिन जीनाति के जो ज़मी पर भी अपने पाँव जो ये खातीन है वो आराम से मारें ताकि वो जो ज़ीनत उन्होंने छिपाई हुई है वो ज़ाहिर ना हो जाए तो यानी औरत के चलने से जो आवाज़ पैदा होती है उसके अंदर भी जीनत है उसके अंदर भी ये अट्रैक्शन है मर्द के लिए जिससे वो जज्बात उभर सकते हैं मर्द के दिल में तो इससे मना किया गया यानी जब औरत के चलने से पैदा होने वाली आवाज़ से भी कहा गया है कि इज्तनाब किया जाए वो आवाज़ें भी ना निकलें औरत के चलने से तो डेफिनेटली औरत का बिल्कुल सामने आना और उससे इंट्रैक्ट करना जो है ये अगर इससे एहतियात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है तो और इसी तरीके से बात करने का भी कहा गया है कि अगर तुम बात करनी ही पड़ जाए औरतों को मर्दों से तो वो करख्त या सख्त लहजे में बात करें अच्छी बात अच्छे तरीके से बात ज़रूर करें यानी बदतमीजी से बात करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन यह कि सख्त लहजे में बात करें ताकि दुल्हन में अगर कोई किसी के आ, कोई ऐसी तमा पैदा होने वाली है तो वो ना हो जैसे सुरह अजाब में नदरें ये इंस्ट्रक्शंस जो थी वो महाद के लिए बलन दी थी और बाद में फिर जो है तमाम उम्मत मसल की औरतों के लिए इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आ, बन गई तो या ताला फरमाते हैं कि यह निसा नबी नबी की बीबीओ या औरतों लस्तन्ना का हद निसा आप जो है बाकी औरतों की तरह नहीं हो इन तकैतन्ना फ़ला तखदा न बिल्कौली फ़यातम लजीफ़ फ़ीकल भी मरदों वकुल न कौलम तो यानी वही बात कि अगर ये तो ये बता दिया गया कि आप आम औरतों की तरह नहीं हो आपको ज़्यादा इस पर एहतियात करनी होगी आम औरतों को भी एहतियात करनी है लेकिन आपको उमहात और को तो इससे बढ़ कर जो है वो एहतियात करनी चाहिए तो अगर आप तक इख्तियार करें तो अपनी आवाज़ को जो भी बात आप करें तो बात को जो है नरम ना रखें बल्कि उसको सख्त रखें ताकि ऐसा शख्स जिसके दिल में ऐसी तमा पैदा ना हो कि जो बाद में जिसके अंदर मर्ज है ज़रा पता किसी कल में मर्ज है कोई बुरा शख्स है तो उसके दिल में ऐसी को ऐसा कोई ख्याल पैदा ना हो औरत की आव, नरम आवाज को सुनने के बाद तो ये इंस्ट्रक्शन हैं तो अब ये ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं ख़ास कॉन्टेक्स में दी जा रही हैं असल तो में ये जो एतराज़ है ना अब ज़रा उसको हम एड्रेस करते हैं कि जो सेकुलर की तरफ से या सेकुलर भाइयों की तरफ से उठता है तो वो एक ख़ास कॉन्टेक्स में उठता है असल में बात यह है कि जो वेस्टर्न तहजीब इस वक्त हमारे ऊपर गालिब है और जिसको फिर हमारे सेकुलर और लिबरल तबका ज़्यादा फॉलो करते हैं तो उनके यहाँ तो ये यह बात बिल्कुल तय है कि वो सिर्फ़ फिज़िकल हार्म और फिज़िकल प्लेजर या फिज़िकल गुड को आ, ही कंसिडर करते हैं या मटीरियल आप कह लें मटीरियल गुड है या मटीरियल हार्म है उसी को कंसिडर करते हैं उनके लिए उनके नज़दीक जो है वो उखरवी जो हार्म है या जिंदगी के बाद जो आने वाले हालात हैं उनके अंदर जो हार्म है या उसके अंदर जो गुड है या प्लेयर है वो कोई मैटर नहीं करता इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ आज भी आप देखेंगे कत्ल जो है एक गलत बात है एक जुर्म है और कोई भी अगर कत्ल करता है तो उसे उसके बारे में यही यही अंडरस्टैंडिंग है कि उसको सजा मिलनी चाहिए बल्कि अगर कतल जुर्म है तो एकदाम कतल भी जुर्म है यानी कोई शख्स किसी को कतल करने की कोशिश भी करता है तो ये भी एक जुर्म है और इस पर भी सज़ा है तो ये बात जो है इस ऐसी है कि इस पर कोई इतराज़ कभी नहीं उठाया जाता क्योंकि ये बिल्कुल सामने नजर आने वाली बात है ना कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स को जो है नुकसान पहुँचाना चाहता है उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना चाहता है उसके जिसम को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो ये एक बुरी चीज़ है क्योंकि इसमें फ़िज़िकल हार्म मटीरियल हार्म नज़र आ रहा है आ, लेकिन जब हम जना की बात करते हैं तो इसमें कोई फिज़िकल हार्म तो नज़र नहीं आ रहा खासतौर पर जना जना बिलरज़ा जो है यानी अगर तो आ, जो है म्यूचुअल कंसेंट से जो है एक मर्द और औरत जो है या इवन के वेस्ट के अंदर तो ये भी है कि मर्द मर्द या औरत औरत और जो है वो एक दूसरे से अपने अपने जो भी सेक्सुअल डिज़ायर हैं उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं तो इसको तो इसको तो बिल्कुल जायज़ माना गया है सिर्फ जो है ज़िना बिलचबर जो है यानी किसी को किसी के कंसेंट के ख़िलाफ़ कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करता है इस हवाले से तो फिर वो एक बुरी चीज़ समझी जाती है अब इस, इस इसको जो है आ, हम आ, रैशनली तो उनको समझा नहीं सकते ना ना ही इसकी कोई रैशनल जस्टिफिकेशन अभी तक इतनी ज़्यादा वाज है कि हम आ, उसकी वो सवेरिटी बयान कर सकें इस, इस जुर्म की जो कि कुरान मजीद में है जो इस्लाम के अंदर है लेकिन अला के नज़दीक बरल जितना बड़ा जुर्म जो है कतल है उतना ही बड़ा जुर्म जो है वो जना भी है यानी जना जो है उसके ऊपर बल्कि सज़ाएँ जो हैं वो कतल से भी सख्त हैं अब देखें कि अगर कोई जना करता है और शा, गैर शादीशुदा है तो फिर तो सौ कोड़े हैं लेकिन अगर वो शादी शुदा है तो रजम की सज़ा है यानी यानी उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए यानी इतनी सख्त सजा रखी गई है जबकि कतल के हवाले से देखें तो आपको सिर्फ किसास है यानी जिस तरह अगर किसी कातिल ने किसी मकतूल को कतल किया है तो मकतूल के वसा जो है उसे उसी तरीके से कतल कर सकते हैं या उसे माफ़ कर देंगे यह इख्तियारकतूल के वरसा के पास है तो आप देखेंगे ये सजा जो है वो एक तरह से खासतौर पर जो शादीशुदा जानी है या जानियाँ हैं उसके उसके ऊपर जो सज़ा है वो कत्ल से भी ज़्यादा शदीद तर है तो ये आखिर क्यों है अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों रखा है तो डेफिनेटली ये अल्लाह ताला का दीन है अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक़ की है उसका हक़ है कि वो डिफ़ाइन करे कि हम कैसे यहाँ पर रहेंगे इसकी इसकी जो असल निस्फेरिटी है जुर्म की वो शायद हम से ना समझ सके हाँ आज हमारे पास डाटा हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसकी बिना पर हम किसी हद तक इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी अडल्ट्री फैल जाती है वहाँ पे फिर फैमिली सिस्टम तबाह हो जाता है वहाँ पे फिर लोग जो हैं वो उनकी जब शादियाँ नहीं होंगी तो फिर वो आगे नस्ल को बढ़ाना नहीं चाहेंगे यानी आने वाली जो नस्ल है रुक जाती है तो इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ ग्रोथ रेट जो है वो ज़ीरो टू वन है या इवन बाज़ पर जो है वो माइनस वन है बल्कि माइन माइनस वन से भी बढ़ गया है जबकि हम मुस्लिम कंट्रीज़ में देखते हैं तो अलहमद लाला जो ग्रोथ रेट है वो वन टू टू या टू 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 से भी अबव है तो यानी इंसान uh, अगर जो है अडल्ट्री में पड़ जाएगा तो फिर uh, आगे जो है नस्ल बंद हो जाएगी और यही वजह है कि uh, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट फिफ्टी और हंड्रेड ईयर्स में उनकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी तो अब ये अरे पता फितरत के ख़िलाफ़ एक चीज़ है इस वजह से इसके फिर बहुत से नुकसान हैं लेकिन ये तो एक पहलू है उस नुकसान का इसकी जो असल मनीसवेलिटी है इस जुर्म की या इसके क्या इम्पेक्ट पड़ इम्पेक्ट्स पड़ते हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं वो तो शायद हम उसको जो है अभी तक जान नहीं पाए लेकिन बहर अल्लाह तला इन मामला में यही फरमाते हैं कुराना मजीद में कि वल्लामू तुम ना तो अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते तो इसलिए अब हम अपने जो सेकुलर भाई हैं उनको यही कहते हैं कि देखो ये पहले फैसला कर लो कि क्या हमारा कोई खुदा है कोई खालिक है और क्या इस्लाम सच्चा दीन है अगर हमारा कोई खालिक है और वो अल्लाह है और हमारा जो दीन है इस्लाम है वो सच्चा दीन है तो फिर हमें अल्लाह की बात माननी होगी हमारी अपनी मर्जी नहीं चलेगी और बाकी जो है रैशनली अगर हमारे पास वो अभी तक वो फैक्ट्स नहीं आ सके कि हम इसकी सिवैरिटी को समझ सकें आ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुर्म जो है उसकी आ, उसकी जो आ, इन, उसकी सिग्निफिकेंस है अल्लाह के नज़दीक या हमारे नज़दीक कम हो जानी चाहिए तो ये वो बात है ये बुनियादी बात है जिसकी वजह से ये सारे सवाल उठते हैं अब क्योंकि जना एक बहुत बड़ा जुर्म है इसलिए एकदाम ज़ना भी जुर्म है इसलिए हम देखते हैं कि जो बाकी सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं गदे बसर की आँखों को नीचा रखो या फिर औरतों को कहा जा रहा है कि तुम पर्दा करो या फिर ये जो इंस्ट्रकशन दी जा रही हैं कि तुम चलो भी आहिस्त कि तुम्हारे चलने से पैदा होने वाली आवाज़ जो है वो भी नहीं मरदों तक पहुंचनी चाहिए इस तरीके से सही हदीस में आता है कि जिस शख्स जिस औरत ने खुशबू लगाई और बाहर चली गई और उसकी खुशबू किसी नाम मह मर्द ने जो है सूंघ ली तो फिर फैयाजानीत तो उनके अल्फाज हैं कि उसने उस औरत ने गोया कि जना कर दिया तो अब ये क्यों इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं और फिर इसी से मुतल जो है आपको पता है कि इस्लाम के अंदर सेग्रीगेशन ऑफ़ सक्सेस का पूरा एक निज़ाम है कि औरतों का जपेसज है वो अदा होंगी औरतों के पब्लिक स्पेसिस भी लदा होंगी आ, और आ, मर्दों के लग, मर्दों की स्पेसिस अलदा होंगी ये सेग्रीगेशन क्यों की गई है क्योंकि जहाँ पर भी जो है इनमें में होगा इनके अंदर जो है ये पर्दे को हटाया जाएगा तो फिर जना बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसको एक्सप्लेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ पर भी ये मामला होगा तो ज़िना जो है फैलेगा और ज़िना फैलेगा तो फैमिली सिस्टम तबाह होगा फैमिली सिस्टम तबाह होगा तो फिर नस्ल जो है बर्बाद होगी तो ये ये वो चीज़ें हैं जो किसी हद तक हम जान सकते हैं लेकिन इसकी असल स्वेरिटी जो अल्लाह के नज़दीक है उसको जानना शायद हमारे लिए अभी मुमकिन नहीं है वक्त आने पर शायद हम ज़्यादा गहराई से इसको समझ सकें तो ये बात दुरुस्त थी उनकी इस पर ऐतराज़ खैर किया गया क्योंकि वो खास कॉन्टेक्स में वो बात आई थी हाँ एक बात ज़रूर थी इसके अंदर क्योंकि जाकिर नाइक डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो मुख्त मकाम पर जो है उन्होंने फीमेल एंकर के साथ भी प्रोग्राम्स किए हैं और कुछ उनकी एयर होस्टस के साथ भी कुछ पिक्चर्स हैं तो ये जो उनकी कंट्रोडिक्शन नज़र आई तो इसका भी एक बुरा इम्पेक्ट पड़ा तो डॉक्टर साहब को इसका भी ख्याल रखना चाहिए ये अच्छी बात है ये एक उनका दरेराना आ, जो है फैसला था कि उन्होंने वहाँ स्टेज पे डर के औरतों को जो है इस तरह शील नहीं दी ए, लेकिन ये चीज़ जो है उनकी ज़िंदगी के बाकी मामलों में भी नज़र आनी चाहिए ताकि जो इसका असल इम्पेक्ट है वो क्रिएट हो सके वरना फिर यह एक बात है लोगों ने इनका फिर मजाक भी उड़ाया जो कि बरहाल एक गलत बात है लेकिन हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते एक दाई अल्लाह को एक स्कॉलर को बहाल बहुत सी चीज़ों का ऐसा बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है यानी आम एक शख्स जो है चाहे वो आम मामलाती ज़िंदगी के अंदर जो है वो ऐसा काम कर जाए तो कोई नोटिस ना नोटिस ना ले लेकिन यह है कि एक दीनी स्कॉलर जो है जब वो ऐसा करेगा तो फिर जो डेफिनेटली उस पर एतराज़ उठेंगे उसके बाद फिर उनका एक इंटरव्यू था आ, एक फीमेल एंकर है फ्रिया फ्रिया इदरीस के साथ उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी बात की जिस पर काफ़ी जो है बात बाद में होती रही उन्होंने कहा यह कहा कि अगर बीस मिनट तक कोई शख्स जो है किसी औरत को देखता है और उसके अंदर हलचल पैदा नहीं होती तो उसका फिर उसको उस उसको, उसको इलाज करवाना चाहिए तो बहरहाल ये तो एक फैक्ट की बात है जरी बात है ये कोई भी इसको डिनाई कर सकता आ, ऐसा ही है मामला कि मतलब अगर आप ऐसा आ, मतलब किसी भी मर्द के लिए यह मामला जानना कोई मुश्किल नहीं है कि अगर वो औरत को देखता है तो उसके अंदर जज्बात पैदा हो सकते हैं तो बेसिकली वही पर्दे और सेग्रीगेशन के हवाले से ही डिस्कशन हो रही थी जो उसमें उन्होंने जो बात की अगेन उसका कॉन्टेक्स्ट अगर हमारे सामने हो जा सके, मैंने वजाहत की है तो फिर शायद ये एतराज़ ना हो कि जैसे कतल जुर्म है तो इकदाम कतल भी जुर्म है और इस तरीके से अगर ज़िना जुर्म है तो इकदाम ज़ना भी जुर्म है तो एक औरत का बेपर्दा होकर बाहर निकलना ये इकदाम ज़ना है इस तरीके से औरत को खुशबू लगा कर निकलना या औरत का जो है ऐसे जूते पहनना जिससे जो है वो जज्बात को उबार जज्बात जिससे उभरते हों मद मर्दों के तो ये सब जो है इकदाम ज़िना के अंदर आते हैं इसलिए इनको भी कंडेम किया गया है इनको भी रोका गया है तो बहरहाल ये बात अगर जो वजाहत हमने पहले दी है वो अगर सुन ली जाए तो इन शेराज़ भी ख़त्म हो जाएगा आ, उसके बाद फिर एक जगह पर पब्लिकली एक पब्लिक लेक्चर में उन्होंने ये बात कही कि कि इस वक्त जो है क्योंकि औरतों की दादाज बहुत ज़्यादा है मर्दों से तो अब उनके लिए दो ही ऑप्शन हैं या तो यह है कि वो किसी ऐसे मर्द से शादी कर लें जिनका जिनका पहले से निकाह हुआ हुआ है यानी पहले से उनकी कोई अगर शादी है एक बीवी है तो आप उनसे निकाह कर लें हम उनकी दूसरी बीवी बन जाएँ वरना जो आजकल के हालात हैं उन्होंने बेसिकली इसका इसकी तरफ इशारा किया तो फिर वो ऐसी औरत फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बनने के लिए तैयार हो जाए तो खैर ये एक यानी शायद वो बात इस तरीके से नहीं करना चाह रहे थे जिस तरीके से सामने आई असल असर कि हालात बहुत ख़राब हैं एक औरत का जो है निकाह में ना रहना ये एक बहुत इसमें ख़तरात हैं इस, है। इस वजह से वो औरत ख़ुद भी फितने में पड़ सकती है और बहुत से मर्दों को भी फितने में डाल सकती है तो इस पहलू से वो शायद बात कर रहे थे आ, लेकिन उनसे एक बात ग़लत उनकी उनके मुंह से निकल गई कि अगर औरत जो है उसको वो अगर किसी के साथ निगाह नहीं करती तो फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी और वो बाजारी औरत हो जाएगी वो तो ऐसी बात नहीं है यानी ये तीसरा ऑप्शन भी है कि औरत जो है पाक दामन रहे ठीक है जब तक कि उसके फिर निका की सिचुएशन पैदा नहीं होती अल्लाह ताला ने कुरान कुरानी में ऐसे मुसलमानों को ये नहीं कहा कि वो बदकरदार लोग हैं या बाजारी लोग हैं कि जो निका नहीं कर सकते अल्लाह ने निका सब्र करें ठीक है बल्कि जो है सही हदीस के अंदर जो रोज़े रखने का जिक्र आया कि आयासर से रोज़े रखें ऐसे नौजवान तो बहरहाल ये एक गलत बात थी जो उनकी ज़बान से निकली ये उनको इसकी बहर इसके ऊपर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए और इसकी इसकी वजाहत दे देनी चाहिए तो बहरहाल ये कुछ जो है कुछ बातें थी जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के की जो डिस्कशंस हो रही हैं जो उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उस पर जो है वो ये कंट्रोवर्सीज खड़ी की जा रही हैं तो हमारे जो सेकुलर भाई हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि दीन की एसेंस को समझें और फिर जो उसकी बुनियादी तालीमत हैं उन पर आप इतराज़ ना खड़ा किया करें समझा करेंगे इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है मतलब अगर आप दीन की बने तारीमत के ऊपर भी इतराज़ उठाते हैं तो उसका मतलब है कि फिर आपको दीन से कोई लेना देना नहीं है तो फिर खुल के या तो फिर बताएं कि जी हमारा दीन से कोई लेना देना नहीं है लेकिन आप मुसलमान हैं अल्लाह ताली ना करे कि आप दीन को दिन इस्लाम को छोड़ें आपके जहन में अगर कोश्चन्स पैदा होते हैं तो दीनी तबके का ये फ़र्ज़ है कि वो उन क्वेश्चन को क्वेश्चन के आंसर दें उन इश्कत को दूर करें जो कि हमने कोशिश की है इस व्लाग में कि आपके जो इश्कला हैं जो भी सन्सियर लोग हैं उनके इश्कलात को दूर करने की तो कोशिश की जा सकती है लेकिन जो सारी बात है कि आ, ये चाहते ही हैं कि दीन के ऊपर एतराज़ा खड़े किए जाएँ और जिनका बातन साफ़ नहीं है तो डेफिनेटली उनको तो आ, किसी किस्म की वजाहत जो है वो फ़ायदा नहीं दे सकती तो हम आ, ये अज करते हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब को भी हम ये कहते हैं डॉक्टर किर नायक को कि वो भी ज़रा एहतियात करें आ, वो एक दीनी इसकाल हैं एक दाई हैं उनकी जबान से गलत बात निकलेगी तो फिर उससे बहुत से लोगों का आ, जो है दीन खराब होगा उनके जज्बात मजरूह होंगे आ, उनको इस बात का बराख्याल रखना चाहिए और हम सेक्टर जो हमारे भाई हैं उनको ये, ये दावत देते हैं कि अगर आपका एतराज़ है अगर ने एतराज़ है ज़रूर पेश करें इन जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे करते रहेंगे आ, लेकिन यह है कि दीन की बनी तलीमत का मजाक ना उड़ाया करें इसको मौक़ ना किया करें इससे बाज़ लोगों ने जो है बड़ा ही मजाक उड़ाया बड़े बड़े तजिया अंदाज़ में जो है आ, ये तबसरे किए डॉक्टर झकिर नायक की इन आ, बातों के ऊपर जो कि जो है दुरुस्त बात नहीं है उसे हम कंडम करते हैं और उन्हें अर्ज करते हैं कि वो दिन की बुनियाई तालीत के एसेंस को समझें और इतराज़ भी खड़ा करना तो डिसेंट अंदाज़ में करें ताकि उसका जवाब आपको दिया जा सके जकुमल लल्ल